प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले अपने चुनावी दौरे पर हैं। इसके चलते वो राज्य में चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने कर्नाटक के मैसूर में अपना चुनावी भाषण दिया, लेकिन पीएम मोदी और उनके स्टाफ को यहां के प्रसिद्ध होटल ललित पैलेस में ठहरने के लिए जगह नहीं मिली। खबर के मुताबिक होटल में एक शादी समारोह के चलते यहां ज्यादातर कमरे पहले से बुक थे, जिस कारण पीएम मोदी इस होटल में ठहर नहीं सके। इसके बाद मैसूर के किसी और आलीशान होटल में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई। होटल के महाप्रबंधक जोसेफ मथियास ने बताया कि एक अधिकारी पीएम मोदी, सुरक्षाकर्मी और उनके स्टाफ के लिए कमरा बुक करने के लिए उनके पास आए थे, लेकिन वो उन्हें कमरा नहीं दे पाए क्योंकि यहां पहले से एक शादी समारोह के लिए ज्यादातर कमरे बुक थे। उन्होंने बताया कि वो ऐसे समय पर आए जब यहां शादी का रिसेप्शन था और उनके पास सिर्फ 3 कमरे थे, लेकिन उनके लिए 3 कमरे पर्याप्त नहीं थे। इसके बाद जिला प्रशासन ने पीएम मोदी के लिए रेडिसन ब्लू होटल में ठहरने की व्यवस्था की। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।